बिहार निवासी प्रमोद यादव और संजू देवी की बेटी किरण को एक अजीब ही बीमारी थी। किरण के दोनों पैर सही सलामत थे, पर पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी। वो चलते चलते अचानक गिर जाती थी। ऐसी औलाद होने से तो तुम्हारा बे औलाद होना अच्छा था। जी जी, ये जैसी भी है मेरी औलाद है। मैंने 9 महीने इसे अपनी कोख में रखा है। आपको, अम्मा जी को और बाबू जी को तो मेरी बेटी फूटी आंख नहीं सुहाती। आप लोग तो हमेशा इसके मरने की कामना करते हैं, लेकिन मैं तो इसकी माँ हूँ। और एक बात आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, मैं इसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। इसी वजह से संजू को अपने ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। और फिर एक दिन संजू अपने ससुराल वालों के बर्ताव से तंग आकर अपने मायके बंगाल में रहने चले गए। और एक दिन अचानक संजू के सामने रोशनी की किरण चमक उठती है। मौसी, मौसी। अरे फल कहाँ है? मैंने तुझे फल आने के लिए पैसे दिए थे ना, और तू खाली हाथ चला आया। मौसी, फल तो नहीं लाया, पर आपके काम की एक चीज लाया हूँ, ये देखो। नारायण सेवा संस्थान? हाँ मौसी, यहाँ पर विकलांगों का निःशुल्क इलाज होता है, इसमें सारी जानकारी दी हुई है। और फिर किरण के पिता और संजू देवी उसे लेकर नारायण सेवा संस्थान आते हैं। नारायण सेवा संस्थान के उपचार और डॉक्टर्स की मेहनत एक दिन रंग लाई और किरण बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर चलने लगी। सबकी बातें सुनकर मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी थी, पर नारायण सेवा संस्थान ने मेरी किरण को आशा की एक नई किरण देकर उसकी जिंदगी में रोशनी भर दी। अब मुझे कोई